नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच लोग खुद को इस महामारी से बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सर्वाधिक दिए जाने वाले मशवरों में एक भाप लेना भी शामिल हो गया है। माना जा रहा है कि स्टीम इनहेलेशन कोरोना संक्रमण के दौरान फेफड़ों को मजबूत बनाए रखने में कारगर साबित है। अब आपको बताते हैं कि तरीका क्या है। दरअसल स्टीम इनहेलेशन भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले घरेलू उपचार में से एक है, जिसका उपयोग आमतौर पर जुकाम, सामान्य सर्दी या साइनस संक्रमण से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से नाक, गले और फेफड़ों में मजबूत बलगम को गीला कर बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा ये भाप नासिका मार्ग में सूजन से राहत देता है। अब हम बात करते हैं कि स्टीम थेरेपी कोविड-19 से लड़ने में आपकी मदद करती है। हालांकि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने ऐसी कोई भी सुझाव नहीं दिया है जिसके तहत कहा गया हो कि स्टीम थेरेपी कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है। लेकिन अमेरिकन लंग एसोसिएशन यानी ALS का कहना है कि भाप लेना श्वास संबंधित परेशानियों में बड़ी राहत दे सकता है। इसके अलावा भारत के कई चिकित्सक भी फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को लगातार भाप देने की सलाह दे रहे हैं। आमतौर पर भाप लेने के लिए घर में ही मौजूद बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस समय बाजार में भाप की छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी उपलब्ध है जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच है। इन मशीनों से फायदा ये होता है कि इन्हें बड़े आराम के साथ आप किसी भी जगह रखकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। खास तौर पर वे लोग जो बिल्कुल अकेले रहते हैं या फिर पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो चुका है, उनके लिए बीमारी की अवस्था में उठकर रसोई में जाना और किसी बर्तन की तलाश कर वहीं खड़े रहकर पानी को गर्म करना और उससे अतिरिक्त सावधानी से भाप लेना एक तरह से कोड़ में खाज का काम करता है। फिर बर्तन का पानी जल्द ही ठंडा हो जाता है। ऐसे में ये भी संभावना रहती है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरी तरह से भाप न ले पाए। ऐसे में ये छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। अब बताते हैं आपको कि भाप कैसे लें। सबसे पहले किसी एक बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर में साफ पानी भरें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद जिस कमरे में भाप लेने वाले हैं वहां के पंखा, कूलर, AC सब बंद कर लें। मेज पर गर्म पानी के बर्तन को रख लें, तौलिया लें और उससे अपने चेहरे को इस तरह से कवर कर लें कि भाप वाले बर्तन में से सारी भाप तौलिया के अंदर ही रहे, बाहर न जाने पाए। अब चेहरे को धीरे धीरे गर्म पानी के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर के पास ले जाएं और जितनी दूरी पर सहूलियत महसूस करें वहां से धीरे धीरे भाप लें। बात सावधानियों की। दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही भाप लेना उपयुक्त माना जाता है। एक बार में 5 मिनट से ज्यादा भाप लेने से बचना चाहिए। भाप लेते वक्त मुंह भी खुला रख सकते हैं। भाप लेते समय और भाप लेने के बाद हवा में नहीं बैठना चाहिए। साथ ही कुछ घंटे तक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।